प्लीज जस्ट अ सेकेंड. हेलो हेलो प्लीज. अरे आई विल कॉल यू टुमारो. ओके 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 चलो बाय. गुड नाइट गुड नाइट. अरे मैं देखती हूँ. ओके इतनी देर रात कौन है आप? हेलो कौन है आप मैडम? पहले ये बताओ तुम कौन हो? वो मैं मदन है क्या? जरा बुला कर लाओ उसे. आप यहां क्यों आई हो? वो भी रात के 12 बजे आ गई. फिर से डिप्रेशन फील हो रहा है. इसलिए मैं तुम्हारे पास यहां चली आई मदन. ठीक है वेट करो मैं अभी आ रहा हूं. तब तक बैठो. मुझसे कहा आता हूँ और यहाँ बैठकर टीवी देख रहे हो? वो यहाँ पर है ना इसलिए. वो कौन? यहाँ नहीं और किसी जगह दूर जाएं क्या? कहाँ जाएंगे? और थोड़ी दूर में मेरी और एक जगह भी है. वहाँ हमें कोई भी नहीं देखेगा. ठीक है.
अरे वाह, इतनी रात में यहाँ अकेले, वो भी गाड़ी में। हाँ, कुछ तो चक्कर है। यहाँ और चाहिए मुझे। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, कुछ नहीं, मैंने ठंडा पानी पिया है ना, तो गला खराब हो गया है। वाह, लॉक कर लिया। पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। बताओ, इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो कार डॉक्टर की ही थी? हाँ सर, उनकी ही कार थी, और उनकी कार में डॉक्टर का सिंबल भी बना था सर। मैंने कई बार देखा है सर। तुम सच कह रहे हो ना? अपने बाप की कसम खा रहा हूँ सर। ड्राइवर, जीप को डॉक्टर के घर की तरफ ले चलो। जी सर। क्या यही वो कार है? यही कार है सर, वो इसी को मैंने देखा था सर, और डॉक्टर का सिंबल भी बना है। पूरे यकीन से कह सकते हो? हाँ सर। मूर्ति सर, डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है सर। अरे सुनो, घर पर कोई है क्या? लो, मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, और आप पूछ रहे हैं यहाँ कोई है? अच्छा, वैसे पुलिस हमारे घर में क्यों आई है? यहाँ कोई गलती हो गई क्या? लगता है तुम्हारे डॉक्टर ने गलती की है, उन्हें बुलाओ तो जरा। सुनिए, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? हा? आपका कहना है कि डॉक्टर ने गलती की है? अरे गलती आपसे हुई होगी। एक रख के दूंगा तुझे, चल डॉक्टर को बुला। नाराज क्यों होते हैं, बुलाता हूँ ना। वो लीजिए, खुद ही आ गए। क्या बात है साहब, आपको बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे हैं? हाँ आपको, चलिए। डॉक्टर मदन। हेलो मदन, क्या आप बता सकते हैं कल रात को 12 बजे आप कहाँ थे? रात को 12 बजे तो मैं घर में था। आर यू श्योर? जी हाँ बिल्कुल, आप क्यों पूछ रहे हो? हाँ सर, ये यही थे, रूम में ही थे। और आप कौन है? ये तो मेरी फ्रेंड है,
पीजी में रूम ढूंढ रही थी तो मैंने अपने ही घर में रख लिया। ओ, कल माना कि आप तो घर पर ही थे, लेकिन आपकी गाड़ी कहीं गई थी। रात को हम कहीं नहीं गए थे, यहीं पर थे। आर यू श्योर? या श्योर सर। ओ सुनो, यहाँ आओ। सर, कल रात को 12 बजे तुमने इनकी गाड़ी कहाँ पर देखी थी? हाँ सर, वो पुराने वाले बंगले पे सर। तो ठीक कह रहा है ना? हाँ सर। पुराने बंगले में? ये क्या बात कर रहे हो, लगता है तुम पागल हो गए हो। हाँ सर, यही कार थी सर, मैंने देखा था। ए लड़के, क्यों पागल की तरह बात कर रहा है तू? रात को मेरी कार कहीं नहीं गई थी, वो यहीं पर थी। हाँ सर, ये तो घर पे टीवी देख रहे थे, इनके साथ मैं भी देख रही थी। उस वक्त करीब 12 या 12:30 बजे होंगे। ठीक है, तो 12 या 12:30 बजे के बाद आप कहीं पर गए थे? What do you mean? ये आप क्या कह रहे हो सर? हमारी बातों पर आपको यकीन नहीं हो रहा है? सुनो, ये बताओ कार में कौन कौन था? वो क्या, जल्दी बताओ, गाड़ी में और कौन कौन था? सर उसमें एक आंटी थी सर। साथ में कौन था कार में? नहीं सर, और कोई नहीं था सर। कार आई, वहाँ रुकी, आंटी निकली और अंदर चली गई। ए बेवकूफ, मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ? जो देखा है वो ठीक से बता। गाड़ी में कौन कौन था, गाड़ी कौन चला रहा था, गाड़ी क्या अपने आप चल रही थी? हाँ सर, अपने आप चल रही थी सर, जाते वक्त कार में कोई नहीं था। ओहो, इस जैसे गवाह को लेकर मैं केस कैसे आगे बढ़ाऊंगा? तो चले। आप इसकी बात सुनकर यहाँ आ गए थे? बिना ड्राइवर के कोई कार कभी चल सकती है? आप ही जरा सोचिए ना। अरे बेको चल। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ बताइए तो सही। ओह सॉरी, सुबह नाम की महिला ने कल उस घर में खुदकुशी कर ली है। कौन है वो? नाम सुबह, इसी गांव की। हम चलते हैं, चल बे। मदन चले अंदर। सर आप क्या सोच रहे हैं सर, ऐसे लोगों से हमारा केस आगे नहीं बढ़ पाएगा सर। तो और क्या करो? ए इस पागल और तुम जैसे बेवकूफ को साथ लेकर केस आगे बढ़ाने से बेहतर है केस को यहीं ड्रॉप कर दिया जाए। पर सर हमें अब इसका क्या करना चाहिए? ड्राइवर गाड़ी रोको। ओके सर। पुजारी। यस सर। इसे नीचे उतारो। ओके सर। ए चल नीचे उतार, चल आजा। सर सर। ए चल उतार। सर अरे सर 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 मुझे मेरे घर पे ड्रॉप कर दीजिए सर। तू तेरे तो मैं क्या तुम्हें घर पे ड्रॉप करूंगा? हाँ सर। वाह, तू क्या कहीं का लाड साहब है जो तुझे घर पर छोड़ ले जाऊंगा? नहीं नहीं। ड्राइवर तुम चलो। सर, सर, अरे सर सुनिए तो सर 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 अब हम पैदल जाए। मैम साहब कॉफी रेडी। पांडे जी डर गए थे क्या? क्या हुआ? वो क्या कि अभी आप जो है पीछे की तरफ देख रही थी, अचानक सामने कैसे हो गई? अरे आपका भ्रम है, ऐसा कीजिए आप खुद ही मेरा गला घुमाकर देखिए। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे आपके पास आना ही नहीं है। क्यों पांडे जी, आपने देखा था तब मेरा गला ऐसे घुमा था क्या? मालिक मालिक कुछ समझ में नहीं। क्या हुआ? कुछ भी। अरे क्या हुआ बोलो मालिक, वो क्या बताओ तो क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा मालिक, मालिक कैसे समझाऊं? मुझे थोड़ा शक है मालिक। कैसा शक? आप बुरा मत मानना। नहीं मानूंगा, बताओ। आप गलत। अरे नहीं समझूंगा, बताओ। कैसे बताऊं? वो मालिक आप उस लड़की को लेकर आए हैं ना? वो इंसान नहीं है बल्कि भूतनी है मालिक। क्या कह रहे हो, पागल हो गए? चलो जाओ यहाँ से। मालिक आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। भगवान हे भगवान, हनुमान जान पर सकर चाहता हूँ। डॉक्टर
अब तो आप मेरी बात मान लीजिए डॉक्टर। पांडे जी। कौन है? साहब जी बोलिए। पांडे, ये रामापुरम तो अभिभूत में है, ये बात जानते हो तुम? लेकिन आप रात को पूछ रहे हैं ऐसे। पता नहीं, सोचता हूँ। मुझे तो उस लड़की पर शक है। क्या हुआ पांडे जी, मुझसे ही मिलने आए हो ना? नहीं नहीं, मुझे अपनी जान प्यारी है। अब भाग कहाँ रहे हो, मुझसे बच के कहाँ जाओ? तुम मदन? हाँ? मेरा नाम तुम कैसे जानती हो? बताती हूँ, पहले बाहर निकलो। तुम तो ठंडा तली की कमली हो ना? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। तुमने मुझसे प्यार किया था, मगर मैंने तो उसका जवाब दे दिया था ना? यहाँ तक कि मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ मदन। लेकिन तुम तो मर गई थी। सही कहा, मैं मर गई थी और तुम भी उसी तरह मरोगे। मैं जल्दी मरने वाला मर्द नहीं हूँ।
सब अच्छी तरह से जानता हूँ, माइंड इट। तो तुम जिंदा रहना चाहते हो? तुम क्या कोई भगवान हो या यमदूत हो? वैसे तुम तो मरी हुई कमली हो ना? हाँ, तुम मेरे साथ चलोगे तभी जिंदा बच पाओगे। अगर मेरी बात नहीं मानी तो बच नहीं पाओगे। तुम बुलाओगी तो मैं आ जाऊंगा क्या? अगर नहीं आऊंगा तो क्या कर लोगी? अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो तुम्हें यहीं पर मरना होगा। मरना है या फिर जिंदा रहना है? बचना है तो चलो। ठीक है, चलो चलते हैं। आगे इस तरफ। अच्छा, इस तरफ। आगे इस तरफ लेना है। अब इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती है, रास्ता काफी खराब है, पैदल जाना होगा। कितनी दूर जाना है हमें? बस थोड़ी ही दूर और जाना है। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जाना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं। तुम्हारी जान बचाने वाले गुरुजी हैं ये। नमस्ते गुरुजी। आओ मदन, विमली आ जाओ। क्या हुआ मदन, आश्चर्य हो रहा है क्या? ये कमली की बहन विमली है और वो दोनों बहनें जुड़वा हैं। विमली, तो फिर कमली थन्नापल्ली में? हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कमली। वाओ, अच्छा नाम है, बड़ी सुंदर हो तुम कमली। ये कमली तो वाकई बहुत सुंदर है। ए, संभल कर, ये हमारा गांव है, तुम्हारा शहर नहीं।
बैठिए। क्या प्रॉब्लम है आपकी? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है? मदन, डॉक्टर मदन। ओह मदन, डॉक्टर मदन, आपका नाम बहुत अच्छा है। हेलो, आपकी प्रॉब्लम तो बताइए। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। ओके बाय। शर्माते नहीं है, वैसे आप बहुत हैंडसम हैं। जितनी भी लेडी पेशेंट आती हैं, सबकी फोटो खींच के अपने पास रख लेता है ना। याना, भूख बहुत तेज लगी है, इतनी देर क्यों हो गई? कुछ नहीं, ये आपके लिए। सांबर अच्छा है और सांबर बनाने वाली लड़की तो बहुत अच्छी है। सुनिए मदन, क्या हुआ? ये बताइए, वो तीनों तो ऐसे देख रहे थे जैसे मुझे खा जाएंगे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं ऐसा ही हूँ, मुझे साफ साफ बातें करना पसंद है। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ बस। क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? वो डॉक्टर है और तुम? ए, मुझ में क्या कमी है? वो एक लड़के हैं और मैं एक लड़की हूँ, और मैं उन्हें सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। वैसे वो लड़कियों से बहुत दूर भागता है। ए कमली, आखिर हम भी तो मर्द हैं। हाँ मर्द हो ना, लेकिन मैं भी किसी से कोई कम नहीं। तुम लोग मुझे समझते क्या हो? मैं जो सोच लेती हूँ वो किसी भी हालत में करके रहती हूँ। ठीक है, तुमने पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने कॉलेज तक पढ़ाई की है, समझ गए? कॉलेज तक पढ़ी है। अरे जाओ ना, जाकर सो जाओ। हाँ ठीक है भाई, जाके सो रहे हैं, चल भाई। हाँ चलो। सुनो लड़की, मेरा नाम कमली है। ठीक है कमली, देखो मैं घुमा फिरा कर बात करना नहीं चाहता हूँ। देखो मुझे तुमसे भी अच्छी वेल सेटल्ड फैमिली वाली लड़की शादी के लिए चाहिए। वैसी लड़की हो तो ही मैं उससे शादी करूंगा, ओके? लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैंने भी फैसला कर लिया है कि अगर इस जन्म में मेरी शादी होगी तो सिर्फ आपसे होगी, नहीं तो इस जन्म में मेरी शादी ही नहीं होगी। वो
कहाँ है मदन? क्यों? दरअसल आज मैं उनकी पसंद का खाना लाई हूँ, इसलिए ठंडा हो जाए उससे पहले उन्हें परोसना चाहती थी। अच्छा, ऐसा है क्या? वो वहाँ उधर है। क्या तुम्हें डांस करना आता है? जब तक तुम अच्छे से डांस नहीं करोगी वो बाहर नहीं आएगा। चलो ना, डांस करके दिखाओ। बैठ जाओ। शहर की लड़कियां कैसी होती हैं? वो अपनी मर्जी से जीती हैं। बियर पियोगी क्या? नहीं नहीं, मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। आदत होनी चाहिए, मदन से तुम प्यार करती हो ना? क्योंकि मदन को मॉडर्न लड़की बहुत पसंद है। तुम भी अपनी आदत बदलनी शुरू कर दो। अरे कोई बात नहीं, पी लो। पियो ना, कुछ नहीं होगा। पियो। सब पीती है शहर में, सारी लड़कियां पीती है। अरे प्यारे ना, पी लो। शुरू हो जाओ। मदन को मॉडर्न लड़कियां पसंद हैं, पीऊं या नहीं, पर मुझे मदन से शादी करनी है और उसके साथ घर बसाना है तो पीना ही होगा। मदन को ये सारी चीजें पसंद है क्या? हाँ, सच में मदन को ये सब बहुत पसंद है। अगर मदन से शादी करना चाहती हो तो हमारे सामने डांस करो। ओ अच्छा, अगर मैं डांस करूंगी तो वो मान जाएगा? अगर नहीं माना तो हम सब मिलके मनाएंगे। सही का? बिल्कुल मनाएंगे। तो चलो चलो डांस शुरू कर दो। चलो म्यूजिक प्लीज, म्यूजिक प्लीज। तुझे म्यूजिक चाहिए ना, दे इसे। हे, गाना लगा। Hey!